हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड बैट्समैन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैट पकड़ने का सही तरीका और आपका बैटिंग स्टांस कैसे होना चाहिए और आपका बैट स्विंग, आप कैसे अपनी बैट स्विंग को इंक्रीज़ कर सकते हो और बैटिंग करते वक्त बॉल पे फोकस कैसे बनाए रखें। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू कर दें। तो हमारी फर्स्ट टिप है फोकस। अब मुझे इंस्टा पे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि उन्हें बैटिंग करते वक्त बॉल पता ही नहीं चलता, वो उनके पास से बॉल कब निकल जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनका बॉल पे फोकस नहीं रहता। अब जितना अच्छा आपका बॉल पे फोकस रहेगा, उतनी ही अच्छी आप बॉल को कनेक्ट कर पाओगे और उतनी ही दूर आपकी बॉल जाएगी। और फोकस इंक्रीज़ करने के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिल लेके आया हूँ। इस ड्रिल को करने के लिए आपको बैट को बिल्कुल इस तरीके से पकड़ लेना है और बॉल को लगातार अपने बैट से ऐसे हिट करते रहना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपका फोकस आपको अपने बिल्कुल बॉल पर रखना है। अब बिल्कुल इस तरीके से आपको करते रहना है। अब ये ड्रिल करने से आपका फोकस के साथ साथ आपकी पेशेंस भी इंक्रीज होगी। तो सेकेंड टिप है हमारी ग्रिप। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा बैट को पकड़ने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बैट को ग्राउंड पर रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने अपने बैट को ग्राउंड पर रख दिया। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, मेरे राइट हैंड से बैट को उठाऊंगा ऐसे। अब मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, ये वी फॉर्मेशन बन रहा है जो बनना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड से बैट पकड़ूंगा, इससे भी मेरी वी फॉर्मेशन बन रही है। अब ये ग्रिप बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती है, इससे मेरे हाथ काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, मैं ग्राउंड के हर कोने में शॉट मार सकता हूँ। अब मेरे हाथों के साथ साथ मेरा बैट भी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, जो बैटिंग करते वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारी थर्ड टिप है स्टांस। अब स्टांस लेते वक्त काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि उनके दोनों पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब एक आइडियल स्टांस के लिए आपके दोनों पैरों के बीच में 8 से 10 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है आपके लेफ्ट लेग पे। अब ये जो आपका लेफ्ट लेग है, इसको 2-3 इंच पीछे रखिए अपने राइट लेग से, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसा रखना है। अब इसके बाद आपका ये जो शोल्डर है, इसको भी एकदम स्ट्रेट रखिए, ना ही ऐसा ज़्यादा ओपन भी नहीं रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा ऐसा क्लोज रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बॉलर की तरफ। और शोल्डर के साथ साथ आपका हेड भी शोल्डर की लाइन में होगा। अब हेड और शोल्डर लाइन में होने के बाद अब आप रेडी हो शॉट खेलने के लिए, ये एक परफेक्ट स्टांस है आप। तो फोर्थ टिप है हमारी टाइमिंग। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मस्कुलर प्लेयर नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा छक्के मार सकता है, तो आप गलत हो। क्योंकि बैटिंग में क्या है, अगर बैटिंग में आपको बॉल को टाइम करना नहीं आता, तो बॉल आपकी 38 सर्कल के भी बाहर नहीं जाएगी। पर आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ड्रिल बताने वाला हूँ। इस ड्रिल में आपको करना क्या है, इस ड्रिल में आपको एक स्टंप चाहिए, इस स्टंप से आपको बैटिंग करनी है, इस स्टंप से आपको बैटिंग करनी है। आपका कोच आपको अंडर आर्म बॉल फेंकेगा और आपको वो सारी बॉल इस स्टंप से खेलनी है। अब ध्यान ये देना है कि आपको बॉल टेनिस बॉल यूज़ करना है। अगर लेदर बॉल यूज़ करोगे तो आपका ये स्टंप टूट भी सकता है। तो चलिए मैं आपको ये ड्रिल एक बार करके दिखा देता हूँ। तो स्टंप से बैटिंग करने के बाद जब आप नॉर्मल बैट से बैटिंग करोगे, तब आप देखोगे कि आपकी टाइमिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अब सारे बॉल आपके बैट के स्वीट स्पॉट पे लग रहे हैं। तो इस ड्रिल को ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ड्रिल से आपको क्या फ़ायदा मिला। तो हमारी फिफ्थ टिप है बैट स्विंग। अगर एक गाड़ी के टायर फास्ट घूम रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी फुल स्पीड में। उसी तरीके से बैटिंग में जितना तेज आपका बैट घूमेगा, उतनी दूर आपकी बॉल जाएगी। पर बैट स्विंग को इंक्रीज़ कैसे करें, इसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिल लेके आया हूँ। इस ड्रिल में आपको दो बैट चाहिए, इन दोनों बैट को एक साथ पकड़ लेना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से। अब पकड़ने के बाद अब आपको शैडो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से आपको सारे शॉट्स खेलने हैं। तो उस ड्रिल को करने के बाद जब मैं ये सिंगल बैट पकड़ रहा हूँ, तो मुझे ये काफ़ी हल्का लग रहा है
और मेरे हाथ भी पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। अब मेरी बैट स्विंग पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस ड्रिल को ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इससे आपको क्या फ़ायदा मिला। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर दे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट करके आपकी हेल्प करूँगा। और मुझे आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। यह हमारा यूज़र नेम क्रिकेट बायो 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।